नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र वंशा चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, घर में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को लग चुकी है जो सही नहीं हो पा रही, या फिर आप मेहनत बहुत करते हैं और उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आपकी ज़रूरत है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली है। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली है। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताई जाएगी जो आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यह चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवता से सच्चा प्यार करते हैं, भगवान शिव शंकर बजरंग बली को मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी न कभी आपने देखा तो ज़रूर होगा और नज़रअंदाज भी कर दिया होगा। यह पौधा आपकी ज़मीन पर भी उगा होगा और आपने इसे उखाड़कर फेंक दिया होगा, तो सावधान हो जाइए। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने इस पौधे के अगर अपने चमत्कारिक गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए, तो आप इस पौधे को अपने दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें कि इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव, साथ बजरंग बली का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है, माता गंगा का वास भी होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में दरिद्रता परेशानी से परेशान को यानी परेशान थे, अगर गरीबी दरिद्रता से परेशान थे, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, दरिद्रता और गरीबी को इस पौधे के दम पर आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आपके पास धन नहीं आ रहा, धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खुल सकते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है इस पौधे के माध्यम से। बस इस पौधे को चमत्कारिक गुण को आपको जान लेनी चाहिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। इस पौधे के गुण जानने के बाद आपको बता दें कि इस पौधे को कई जगह लट जीरा, चिड़चिड़ा और साथ ही साथ इसे होंगा के नाम से भी जाना जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को आप जानने के बाद इसका नाम आपके राज्य में कुछ भी हो, परंतु अगर आप इस पौधे को पा गए और इसकी तांत्रिक चमत्कारिक जो गुण है उसको अपना लिए, तो आप लोग बहुत ही अमीर बन सकते हैं। दरिद्रता से आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और यह समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके तारे आपके साथ रहेंगे और आपके जो नवग्रह हैं वो हमेशा के लिए आपके खुद हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको नवग्रह की समस्या समाप्त करनी होगी। दोस्तों, इस पौधे को लटजीरा कई जगह कहा जाता है और कई जगह इसको चिड़चिड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों के हिसाब से इसे अपमार्ग कहा जाता है। अपमार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब यह होता है उल्टा चलने वाला। क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वह यह होती है कि इससे इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल के पौधे देखे होंगे, तो उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरह होते हैं, परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टे तरफ होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह अपमार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। मतलब यह कि अकेला ये पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। आपको बता दें कि तांत्रिक पढ़ाई के हिसाब से यह हिंदू पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान और माता गंगा जी का वास इस पौधे पर होता है। अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर पड़ चुकी है,
तो अगर हम हिंदू पुराणों को और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो इसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाई गई उपाय आपके जीवन में आपको फायदा दिला सकते हैं, जो आप लाख रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पा पाएंगे वह इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। बस आपको अपने जीवन के दो चार पाँच छः मिनट इस वीडियो को देना है और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके आएंगी, पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें इस पौधे के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह संत बाबा नागा से ली हुई जानकारी है। हमने आयुर्वेदिक पढ़ाई में इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ा है, पूरा ज्ञान एकत्रित किया है, तब हम आपको इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि आप एक बात जानकर बहुत ही दुखी हो जाएंगे। हमारा जो भारत माता है, इस भूमि पे ये जो पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, बल्कि विदेश में जो लोग रहते हैं वह हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज उपयोग करते हैं, परंतु हम भारतीय लोग इन पौधों को सही जानकारी न प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अब हम आपको बता दें कि ये जो पौधा होता है, जो दो विशेष इसमें तत्व होते हैं, पहला तो यह है कि यह बीमारियों के काम आता है। दोस्तों, अगर आपको गठिया बीमारी है, कहने का तात्पर्य गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर हाथ इन सब में बहुत ही तेज दर्द होता है, और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया कि अपमार्ग को इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और आखिर किस से इसका कैसे उपयोग करना है, ये जानकारी तो आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा पूरी बरसाए रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठिया, माइग्रेन जैसी बीमारियां इस पौधे के प्रयोग से जड़ से यानी लाभ मिलता है और विशेष लाभ मिलते हैं। अगर आप गठिया या माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे को जड़ लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सर में या मिक्सी में फिर आपको, या फिर इसको पीस लें, बढ़िया महीन कर लें, पाउडर बना लें। साथ में जब रात में सोते समय आप दूध पियेंगे तो इसको एक चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला लेना है और मात्र 30 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाएं। दोस्तों, विश्वास मानिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, सिर का दर्द होता है, गठिया यानी पैरों या घुटनों में होता है। ये सारी समस्याएँ 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, यह दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के किस राज्य के आप निवासी हैं, साथ में क्या आपके राज्य में यह अपमार का पौधा आपको मिला है कि नहीं। अब दोस्तों, इसकी तांत्रिक विद्या के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी, शनिदेव भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है। और आपको मैं बताया हूँ कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर गिरी थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति उतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपकी ज़रूरत है, आप नाखुश हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जो आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं, मात्र 15 दिन उसको आजमाइए। जी हाँ दोस्तों, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके घर में कोई तिजोरी है, पैसा रखते हैं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर आपको आनी है और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है और उस कलश में आपको चावल की कुछ टुकड़े आपको डाल देनी है, साथ में आपको सिंदूर भी डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस मंत्र का जाप करके यह कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं, और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे रखे रहने देना है।
आप अपने जीवन में देखेंगे जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज़्यादा धन आपके जीवन में आने लगेगा, और जो धन आएगा वो टिकेगा भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन टिक नहीं पाता, क्योंकि उन पर माँ लक्ष्मी जी कृपा नहीं होती। इसलिए अगर आप इस पौधे को सही विद्या प्राप्त करके इस तिजोरी में रखते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि चावल और सिंदूर रखकर और ओम नमः शिवाय का जाप करना है और फिर इसे अपनी तिजोरी में रख देना है, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा माँ लक्ष्मी जी कृपा आप पर बनेगी, बजरंग बली कृपा बरसेगी। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी को मानते हैं दिल से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।